दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूँ दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में जिनके सामने बिल गेट्स भी गरीब नजर आए। नंबर 10, किम जोंग। नॉर्थ कोरिया का लीडर, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसने अपने मुल्क में कई अजीब कानून बना रखे हैं जिनकी वजह से मुल्क के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब है। वहाँ के बहुत से लोगों को ठीक से खाना और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन इन लोगों का लीडर बहुत मज़े की लाइफ जीता है। इसका मुल्क तो गरीब है, लेकिन किम जोंग बहुत अमीर है, क्योंकि किम जोंग और इसकी फैमिली का नॉर्थ कोरिया की लगभग हर चीज़ पर कब्ज़ा है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ तकरीबन $170 बिलियन है। $170 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपये। इसके पास अपना महल, शिप, एयरपोर्ट्स, गल्फ ग्राउंड्स और बहुत कुछ है जो इसने नॉर्थ कोरिया के पैसों से ख़रीदा है। लेकिन ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ज़्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। नंबर 9, रोथचाइल्ड्स। रोथचाइल्ड्स के बारे में शायद दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। ये कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी फैमिली है, लेकिन इस फैमिली के कई मेंबर्स बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर हैं। ये एक यहूदी फैमिली है जो अपने ज़्यादातर काम सीक्रेट रखती है। इनके बारे में बहुत सी थ्योरीज़ हैं कि माजी में होने वाले ज़्यादातर बड़े हादसात इस फैमिली ने पैसा कमाने के लिए करवाए थे। ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग हर साल एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं जिसका नाम है बिल्डरबर्ग मीटिंग। इसमें ये लोग डिस्कस करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। इस फैमिली की नेटवर्थ $350 बिलियन से $2 ट्रिलियन है। लेकिन दोस्तों, ये फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली नहीं है। दुनिया की सबसे अमीर फैमिली के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जानने के लिए ये वीडियो दोस्तों देखते रहें। नंबर 8, मुअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी जो कि लीबिया का लीडर था, जिसको बाद में मार दिया गया। जब ये लीबिया पर हुकूमत करता था तब इसकी दौलत बहुत ज़्यादा थी। ये अपने लग्जरी अशिया, ख़ास करके अपने सोने की गन की वजह से जाना जाता है। 2011 में कज़ाफ़ी की नेटवर्थ $180 बिलियन थी। तब इस मुल्क में सारे काम इसी की मर्ज़ी से हुआ करते थे। ये अपनी दौलत को दुनिया भर के बैंक्स में और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किए हुए था। और इसकी मौत दोस्तों होने के बाद अब भी इसकी अरबों डॉलर की दौलत का कुछ पता नहीं चल सका। नंबर 7, द हाउस ऑफ सऊद। द हाउस ऑफ सऊद यानी कि सऊदी अरब का शाही ख़ानदान। दोस्तों, मैंने अभी आपको दुनिया की दूसरी बड़ी अमीर फैमिली रॉथचाइल्ड के बारे में बताया था। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अमीर फैमिली के बारे में, यानी कि द हाउस ऑफ सऊद के बारे में। ये हद से ज़्यादा अमीर है, जिसकी वजह तेल और गैस है, क्योंकि तेल और गैस काफ़ी ज़रूरी और बेहद महंगी अशियाँ हैं, इसीलिए ये लोग अमीर हैं। आपने जब अपनी कार या बाइक में फ्यूल भरवाया और आपने पैसे दिए, तो आपके पैसे कुछ ना कुछ इस फैमिली के जेब में भी गए। इनकी दौलत बहुत सीक्रेट है और ये इसे किसी को नहीं बताते, लेकिन इनकी नेटवर्थ एक अंदाजे के मुताबिक $2 ट्रिलियन से $2.4 ट्रिलियन के बीच में है। ये अपनी दौलत बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी ज़मीनों, विलों, सुपर कार्स और बहुत सारी जगहों पर। नंबर 6, बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया का प्रेसिडेंट है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाला पॉलिटिशियन है। असल में ये सीरिया का हुक्मरान है। सीरिया में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वहाँ का लीडर ही माना जाएगा। बशर अल असद के मुताबिक इसकी दौलत सिर्फ $1.5 बिलियन है। एक मुल्क जहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ के लीडर के पास इतने रुपए भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो अपनी दौलत $1.5 बिलियन इसके लिए बताता है ताकि ऐसा लगे कि इसके पास कम पैसे हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी दौलत $120 बिलियन है, जो बिल गेट से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी ये दौलत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के बैंक्स में पड़ी हुई है, जैसा कि पनामा में। नंबर 5, बेबलू एस्कोबर। दोस्तों, बेबलू एस्कोबर, इसका नाम शायद आपने पहले सुना होगा। ये एक ड्रग डीलर था जो कोलंबिया में पैदा हुआ था। ये 44 साल की उम्र में 1993 में गोलीबारी में मारा गया। मूवीज़ में दिखाए जाने वाले असली क्रिमिनल्स की तरह ये इंसान था। अपने वक्त में ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन इसका पैसा इल्लीगल था, इसलिए ये अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में कभी नहीं आया। इसके पास
दर्जनों प्लेन्स, बंगले, बोट्स, यहाँ तक कि इसके पास अपने घर में ही प्राइवेट जू भी था। ऐसा कहा जाता है कि ये $2500 सिर्फ रबड़ बैंड्स को खरीदने में खर्च करता था, जिनसे ये अपने पैसों को बांध सके। ये अपनी इनकम का 10% माल अपने इलाके के गरीबों में बांट देता था, इसलिए इसे रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इसकी नेटवर्थ जब ये जिंदा था तो $150 बिलियन थी, जो इसे इस वक्त का सबसे अमीर इंसान बनाए हुए थी। नंबर 4, हुस्नी मुबारक। हुस्नी मुबारक एक और लीडर है जिसने करप्शन करके खुद को बहुत अमीर बना लिया था। इसे 2011 में मिस्र के प्रेसिडेंट की गद्दी से हटा दिया गया। 2011 में लोगों ने जलसे करके इसे हटा दिया था। 1981 से 2011 तक ये मिस्र का सदर था। जब ये मिस्र का सदर था तो इसने बहुत ज़्यादा दौलत बना ली थी। इस वक्त इसकी नेटवर्थ $70 बिलियन थी, जो कि ब्लैक मनी था। बहुत सी कंपनीज के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 70 नहीं बल्कि $700 बिलियन है, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। नंबर 3, अली अब्दुल्ला सालेह। अली अब्दुल्ला सालेह एक और सियासतदान है जो कि मिडल ईस्ट का है। ये यमन का प्रेसिडेंट 3 सालों तक रहा और इसने खूब पैसा कमाया। 2011 में इसे इस सदर की गद्दी से हटा दिया गया, लेकिन पैसे कमाना इसने फिर भी नहीं छोड़ा। इसकी नेटवर्थ $122 बिलियन कही जाती है, जो इसके सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में दुनिया भर में छुपाई गई है। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया का सदर और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, और इस वक्त ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी है। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में इसकी जगह पर अमेज़न के CEO जैक बेजोस का नाम लिया गया है। इसका नाम इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि इसकी नेटवर्थ सीक्रेट है और दुनिया इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही, और इसकी नेटवर्थ में बहुत सारा ब्लैक मनी भी शामिल है। इसकी नेटवर्थ कुछ एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक $200 बिलियन है। इसके पास लग्जरी घड़ियों का कलेक्शन है, इसके अलावा बोट्स, बहुत सारे प्लेन्स और $1 बिलियन का घर भी है, जिसके साथ 20 विलाज भी इसके पास मौजूद हैं। इसका पैसा भी पनामा जैसे ममालिक में है, इसलिए पुतिन दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर तरीन शख्स भी है। नंबर 1, मेंसा मूसा। ये इंसान अभी जिंदा तो नहीं, लेकिन जब जिंदा था तब इसकी दौलत जितनी थी इतनी आज तक किसी की भी नहीं हो पाई है। इनकी नेटवर्थ $400 बिलियन थी। बिल गेट्स, जैक बेजोस, व्लादिमीर पुतिन की दौलत को मिला दिया जाए फिर भी वो इनसे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये अफ्रीकी सल्तनत के सुल्तान थे, जो बहुत बड़ी सल्तनत थी, और यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेस थे। ये दुनिया में अब तक बनाए गए सबसे बड़े महल में रहते थे। असल में ये पूरे अफ्रीका के मालिक थे। इनकी वफात सन 1337 में हुई थी। ये थे दोस्तों दुनिया के असल अमीर तरीन लोग, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया है। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो गरीबों का हक मारकर हासिल किया जाए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।